हेलो व्हाट्सअप पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो रिसेंटली हमने हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज़ पोस्ट किए थे एंड काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा दैट हाउ डिड वी क्रिएट इट। सो थॉट ऑफ मेकिंग अ स्मॉल ट्यूटोरियल ऑन इट। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो वी विल बी शोइंग यू हाउ वी एडिटेड दिस पिक्चर। तो आइडिया ये था कि हम हमारे ट्रैवल गियर्स एंड ऑल ट्रैवल फोटोज़ को कंबाइन करके खुद तो यूनिक करना चाहते थे एंड दैट वे हम हमारा ट्रैवल एंड फोटोग्राफी का जो पैशन है वो शो करना चाहते थे। ये जो है हमारा पूरा फ्रेम का सेटअप है और इसके अंदर मेन एलिमेंट है हमारा लेंस। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि लेंस में से हमारा कोई भी एक ओल्ड फोटो हम लोग उसको फोटोशॉप करेंगे और उसके साथ में जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हम हमारे ट्रैवल गियर्स के साथ में फिलअप करेंगे। तो ये देखो, ये टाइप का मैंने फ्रेम सेट किया। तो अभी के लिए हमारा फ़ोटो निकाल के हो गया है। तो अभी जो आगे का प्रोसीजर है वो ख्याति बताएगी कि उसको कैसे प्रॉपर वे में एडिट करना है। तो अभी हम इसको एडिट करेंगे फोटोशॉप में। हम इसको एडिट करेंगे इन द फ्रेम 3:4 बिकॉज इंस्टाग्राम के लिए वो परफेक्ट है। तो लेट्स टेक दैट फोटो जो अभी हमने शूट किया, उसको फोटोशॉप में ले लेते हैं। इसको हम Thank you.
सैचुरेशन, मुझे पानी थोड़ा सा टर्किश ब्लू में चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है. ओके दैट्स इट. अब मुझे अभी के लिए पानी परफेक्ट लग रहा है. सन का मार्क है, ये सन की रेज के कारण है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा देखने में मुझे ऑड लग रहा था, तो मैं इसको स्टेम टूल लेके इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे. अब हम इसे सेव कर देते हैं. सो दिस इज इट. होप यू लाइक अ वे ऑफ क्रिएटिंग दिस फोटो एंड एडिटिंग. We'll try to come up with such new concepts in the near future. Till then, bye-bye.